हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री अब देखिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है उसको ध्यान से समझना है तो स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा ठीक है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द ए पी आर फोर एंड माइनस एट मतलब कि थर्ड टर्म जो है वो फोर है एंड नाइन्थ टर्म जो है वो माइनस एट है तो तो टर्म ऑफ जीरो कौन से नंबर पे टर्म जो है वो जीरो होगी तो एक किसी एपी की टर्म्स चल रही है तीसरे नंबर पे तो चार आता है आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से नंबर पे जो टर्म है वो जीरो होगी अब थर्ड टर्म का क्या मतलब है ए प्लस टू डी है ना ए प्लस टू डी कितना है हमारा फोर है और नाइन्थ टर्म का क्या मतलब है ए प्लस एट डी ये कितना है माइनस एट अब आप साइन चेंज करोगे है ना अब दोनों इक्वेशन आपने चैप्टर फोर में सीखा है कैसे सॉल्व करनी है तो ए ये जो है कैंसिल हो गया ये देखिए प्लस और ये माइनस माइनस एट माइनस टू दिस इज सिक्स डी इज इक्वल टू प्लस फोर प्लस एट प्लस 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 एट एंड फोर इज ट्वेल्व तो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ डी 12 upon minus 6. These terms will be cancelled and you will be getting value of d as minus 2. अब आपने ये जो d की value है, इसको किसी भी एक equation में substitute करना है, equation 1 में या equation 2 में. And after putting that value of d, you will be getting value of a. ये देखिए मैंने a plus 2 d is equal to 4. यहाँ पर d की value substitute कर दी minus 2. ये plus minus minus 2 to the 4. ये minus 4 है उधर जाके plus 4 और ये आ गया 8. अब हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई फॉर्मूला आप वही लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी अब ए की वैल्यू पता है आपको डी की वैल्यू पता है ठीक है ए एन आपको जीरो वाली टर्म निकालने की कौन सी टर्म जीरो होगी प्लस एट है इधर आके माइनस एट ये माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड एन माइनस वन कैंसल द टर्म यू विल बी गेटिंग फोर माइनस वन इधर आके प्लस वन एंड द वैल्यू ऑफ एन विल बी फाइव